नमस्कार दोस्तों, यादव प्लम्बर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी देखिए, बाथरूम बनने से पहले ही बाथरूम तोड़ना पड़ा। क्यों, क्या दिक्कत है? पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं प्रॉब्लम। अभी एक्चुअली क्या है, ये दूसरा कोई काम किया है प्लम्बर, इसमें क्या दिक्कत है? अभी ये सीट को तोड़ के निकालने का है अपने को। अभी सब कुछ पाइपलाइन हो गया है, ये अपना मिक्सर का भी पॉइंट हो गया है, ऊपर अपना शावर का और उधर अपना गीजर का, सबका पाइपलाइन हो चुका है। अभी बाथरूम का सीट ये तोड़ के फिर अपने को लगाना है। एक छोटा सा गलती है, इसी के लिए अभी तोड़ के लगाना है अपने को। अभी इधर नया सीट भी आ गया है, इधर नया कमोड आया है, उसको लगाने का है। अभी ये सीट को लगाने का है अपना, 23 इंची सीट है, 23x18 का। अभी ये सीट अपने को इधर लगाने का है। अभी छीनी हथौड़ा सब तैयार है, बस तोड़ने का है इसको, तोड़ के निकालने का है। पूरा फर्शी लग गया है, इतना ये नहीं लगा है, क्या दिक्कत है? अभी इसका नल भी इधर है और सभी पाइप अभी सब कुछ ज्वाइंट है। ये अपना 18x21 इंची का ये सीट है, 20 इंची। ये अपना बाथरूम पूरा कंप्लीट है, बस नीचे का फर्श ही नहीं लगा है, बस एक प्रॉब्लम के लिए। क्या हुआ है ना, ये अपना सीट है, ये अपना सादा सीट है इंडियन, और ये सीट से वो पाइप अपना हाइट हो गया है, तो अपना बाथरूम का लेवल हाइट हो गया है, बाथरूम का हाइट हो गया है, संडास का अपना डाउन हो गया, तो उसका पानी इसमें आएगा, ये दिक्कत हो गया है। उसका और इसका दोनों का लेवल एक हो गया है। अपना कमोड का और अपना शूब एंड का पाइप का दोनों लेवल एक हो गया है, तो पानी अगर आप नहाएंगे धोएंगे तो पानी सबका इसका इधर आएगा। जो भी बाथरूम का पानी गिराएंगे तो पानी सबका सब इधर आएगा। अब इसलिए वो पाइप हाइट हो गया है, वो पाइप हाइट होने की वजह से सीट को तोड़ना पड़ेगा। सीट को तोड़ के फिर अपने को हाइट लेना है, 2 इंची 2 इंची 2.5 इंची इसको हाइट लेना है ऊपर। अभी 2.5 इंची सीट को हाइट लेंगे, अभी तोड़ते हैं इसको और उसके बाद आपको दिखाते हैं। अभी अपना चारों तरफ का रेती हटा दिए, इधर चारों तरफ का रेती हटा दिए। अभी इसको सीट को तोड़ के फिर निकालने का अपने को, सब का रेती इधर कर दिए। अभी करते हैं काम चालू सीट तोड़ने का। टूट गया सीट, पहला वार चालू हो गया।
अभी अपना कमोड का कोमड़ा का जगह क्लियर कर दिए, क्योंकि वो अपना पुराना वाला भांडा दूसरे के साइज़ था। अभी ए वाला साइड साइज दूसरा है, इसलिए इसको पीछे से हल्का तोड़ना पड़ा, क्योंकि उसमें वो वाला सीट में हल्का पीछे निकला है, ए वाला में नहीं निकला था। अभी सीट अपना पूरा लग गया। अभी चारों तरफ से ईंट डाल के इसमें अपना वो, कभी भी सीट लगाएं तो अगर सूखा आप ईंटा डालें उसमें या बालू डालें या रेत डालें तो पानी हल्का हल्का मार देना चाहिए। पानी मार देंगे तो सीमेंट मसाला आप डालेंगे तो उसमें करेक नहीं होता है। अगर वैसे अपना बालू पड़ गया, ईंट पड़ गया, ऊपर से अपना मसाला डालेंगे तो बाद में वो करेक पड़ जाता है, वो ईंट और बालू सूखा नहीं रहता, इसके लिए वो करेक पड़ जाता है। अगर ऐसा कभी भी काम करें तो हल्का हल्का पानी उस पर मार के फिर अपने को मसाला डालना चाहिए। मसाला डालेंगे तो उसमें करेक नहीं आएगा, कभी भी करेक नहीं आएगा। अभी अपना सीट का मेजरमेंट कर दिए, सीट का मेजरमेंट दोनों अपना दीवार का भी सेंटर में कोमड़ा है, मुर्गा भी बोलते हैं उसको, कोमड़ा भी बोलते हैं। अभी मसाला डालने का काम चालू है। अभी चारों तरफ से सीट लगाएं तो कभी भी अपना सीट के अंदर थापी को करने को, थापी से हल्का हल्का अंदर मसाला जाना चाहिए। अंदर मसाला जाएगा तो कभी भी अपना सीट धंसेगा नहीं, उसका लेवल मेजरमेंट अच्छा होना चाहिए, फिर उसका दिक्कत नहीं रहता है। चारों तरफ से मेजरमेंट लेके मसाला अच्छा से चारों तरफ एक बराबर मसाला जाना चाहिए, उसका लेवल भी एक लेवल रहना चाहिए। अभी नया बाथरूम ही तोड़ना पड़ा है हल्का सा मिस्टेक के लिए। अभी लेवल में आप गड़बड़ी कर देंगे तो फिर तोड़ना पड़ेगा लेवल। और कभी भी बाथरूम का काम करें तो बाथरूम का मेजरमेंट कितना हाइट उठ रहा है, क्या हो रहा है, कितना नल रहेगा, कितना कमोड रहेगा, कितना नॉन ट्रैप रहेगा, सबका परफेक्ट प्लानिंग करके भी काम करना चाहिए। परफेक्ट प्लानिंग करेंगे तो अपने को दिक्कत नहीं रहेगा। अभी सीट लगा रहे हैं, अभी सीट का चारों तरफ से मसाला डालना चालू हो गए। अभी आगे वाला अपना ईंट निकल जाएगा, ईंट निकाल के उसको अच्छा से फिनिशिंग करना है। अभी आगे क्या होता है, आगे अपना बांध काम करके भी दीवाल चला के भी सीट लगाता है, लेकिन क्या होता है अपना अगर आगे हल्का सा ईंट आप खड़ा कर दें और बगल में उसके ईंट के सामने टाइट मसाला डाल के फिर अपने को सीट पूरा लेवल कर देंगे, अब बाद में अपना सीट के आगे का ईंट निकाल देंगे तो ऐसे ही पूरा प्लेन दिखता है, प्लेन हो जाता है, आपको बांध काम करने की ज़रूरत नहीं रहता है। ये अपना पीछे वाला जो कमोड के इधर ईंट लगा है, ईंट पूरा भी देखिए आप निकाल दिए पूरा ईंट। अभी अपना सीट लग के रेडी हो गया चारों तरफ के। सीट कभी भी लगाएं, सीट लगाने के तुरंत उसको सीट को साफ़ कर दें, क्योंकि सीट को साफ़ नहीं करेंगे तो उससे स्क्रैच आ जाता है। अभी आगे का अपना ईंट निकल गया। अभी देखिए फिनिशिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ईंट निकाल देंगे तभी आपका फिनिशिंग एक नंबर होता है। कभी भी 1.5 इंची सीट अपना सीट से मसाला डाउन रखना चाहिए, 1.5 इंची डाउन रखेंगे तो फांसी लगेगा तो अपना सीट के लेवल आ जाएगा। इधर अपना एक नल है, अब पाले वाला सीट में, ए वाला सीट में अभी देखिए अपना ये पाइप अपना नीचे हो गया और कमोड अपना ऊपर हो गया। अभी फांसी अपना लेवल लग जाएगा। अभी अपना सीट लग के रेडी हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।